उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर हुए गैंगरेप मामले को लेकर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, उसके बाद अखिलेश यादव पूरी तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चले तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से ये बयान दिए जा रहे हैं कि पीड़िता का और मुलजिम का आपको चले तो डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर अब बहुत समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बड़े खुलासे कर दिया। आपको चले तो विश्वनाथ पाल ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार से दबाव उनको रहा, धमकाया जा रहा और पीड़िता के साथ समझौता करने का भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यहां पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा। तो ऐसे आपको चले बहुत समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है, क्या कुछ विश्वनाथ पाल कह रहे हैं आप भी सुनिए। देखिए, मैं जब उनके घर गया था तो उनकी मां भी कह रहे थे कि मुझे लोग दबाव बना रहे हैं। तो हमने कहा दबाव से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। और फिर मैं वहां से निकलकर सीधे हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल में जो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात किया उसमें मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो है कुछ लोग रात में आए थे समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। तो हमने कहा भाई ये जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा जानकारी मिल रही थी ये गलत है। इस तरह के जो मुलजिम हैं उनके साथ किसी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक डीएनए की बात है, ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्टल में भर्ती है और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जाँच कराई थी। और अगर वो पीड़िता जिंदा है, बयान दे रही है कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसमें डीएनए की जरूरत कहाँ पड़ गई।